हेलो एंड वेलकम टू सुपर शिवानी चैनल एंड दिस इज द क्लास ऑफ कुकिंग फूड। और ये देखिए इन सैंडविचेस को जिसे मैंने बनाया है ओवन में, वो भी बहुत ही कम समय में। आप इस सैंडविचेस को बच्चों के लंच बॉक्स या फिर ब्रेकफास्ट में बनाकर उन्हें सर्व कर सकते हैं। तो चलिए इसे कैसे बनाना है इसे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लेंगे और सबसे पहले इसमें जाएगी फाइनली चॉप कैबेज यानी कि पत्ता गोभी, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर फाइनली चॉप ऑनियन ऐड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर हम रफली चॉप खीरे को ऐड करेंगे और इसके बाद यहाँ पर रफली चॉप कैप्सिकम ऐड करेंगे। ग्रीन कैप्सिकम मैंने यहाँ पर लिया है, इसे आप ऐड कर लेंगे। रफली चॉप टोमेटो ऐड करेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर हाफ टी स्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे, हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर ऐड करेंगे और हाफ टी स्पून हम यहाँ पर चाट मसाला ऐड करेंगे। हाफ टी स्पून हम डालेंगे यहाँ पर ओरिगैनो, ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून हम डालेंगे यहाँ पर चिली फ्लेक और अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और अब हम इसमें वेज मेयोनीज ऐड करेंगे, आप चाहे तो इसकी जगह पर थिक कर्ड यानी कि दही का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वेज मेयोनीज ऐड करेंगे, तो इसे ऐड कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच वेज मेयोनीज लिया है, इसे ऐड कर लेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसकी क्वांटिटी और भी बढ़ा सकते हैं। और आप देख सकते हैं मैंने वेज मेयोनीज को यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। टोमेटो केचप ऐड कर लेंगे 2 टेबलस्पून और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद इस ब्रेड स्लाइसेस में हम बटर को अप्लाई करेंगे। आप चाहें तो इसे नाइफ से भी कर सकते हैं, स्पून से थोड़ा जल्दी हो जाता है इसलिए मैं स्पून से इसे स्प्रेड कर रही हूँ। और ऐसे ही हम बाकी स्लाइसेस में स्प्रेड कर लेंगे और इसे हम इस ग्रिल के स्टैंड में रख लेंगे क्योंकि हमें इसे माइक्रोवेव में सैंडविच को बनाना है। और दूसरी स्लाइसेस में भी ऐसे ही लगा लेंगे। और इसके साथ जो हमने वेजिटेबल्स का मिक्सचर बनाया था उसे इसमें स्प्रेड कर लेंगे। और इसके बाद हम इसके ऊपर प्रोसेस चीज स्लाइसेस को रख देंगे, कुकुम्बर के स्लाइसेस रख देंगे और ऐसे ऑनियन के स्लाइसेस को भी रख देंगे। और इसके टॉप स्लाइसेस में बटर को अप्लाई कर लेंगे और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है। थोड़ी सी इसके ऊपर हम सेजवान सॉस को ऐड कर लेंगे, आप इसकी जगह पर ग्रीन चटनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब हमने जिस ब्रेड में बटर अप्लाई किया है उसे हम इसके ऊपर रख लेंगे और मैंने इसके दोनों साइड बटर को लगाया है। आप भी दोनों साइड बटर अच्छे से अप्लाई कर दें ताकि ये अच्छे से सेक जाए ओवन में। तो इसे रख लेते हैं और दूसरी स्लाइस को भी कवर कर लेंगे। और ये सैंडविचेस ओवन में जाने के लिए तैयार हैं, तो चलिए इसे हम ग्रिल कर लेते हैं। इसे ग्रिल करने के लिए हम यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर 150 डिग्री का टेम्परेचर सेलेक्ट करेंगे। नंबर 5 प्रेस करेंगे, आप देख सकते हैं 150 डिग्री यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। अब हम यहाँ पर 2 से 3 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट करेंगे। मैं यहाँ पर 3 मिनट का टाइम सेट कर देती हूँ और बीच में हम चेक कर लेंगे। और जैसे ही हमारे सैंडविचेस यहाँ पर कुक हो जाएंगे हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे और स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और हमारे सैंडविचेस यहाँ पर ग्रिल होना शुरू हो जाएंगे। आप इस काम को ग्रिल मोड पर भी कर सकते हैं और ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड पर भी कर सकते हैं, जैसे ही आपको सही लगे आप दोनों मोड पर इस काम को कर सकते हैं। और ये हमारी ग्रिल सैंडविच बनकर तैयार हो गई है। आप देख सकते हैं इसका चीज भी अच्छे से मेल्ट हो चुका है अंदर से और ऊपर से बिल्कुल क्रिस्प बनी हुई है। हमारे सैंडविच की जो चीज़ है वो अंदर अच्छे से मेल्ट हो गई है जो कि हमारे माउथ में अच्छे से मेल्ट हो जाएगी। और साथ ही जो हमारा ब्रेड है वो अच्छे से यहाँ पर सिक चुका है, आप देख सकते हैं। और ये चीज़ी सैंडविचेस सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, तो चलिए इन्हें सर्व करते हैं।
तो इस सैंडविच को आप गर्मा गर्म एंजॉय करें टोमेटो केचप या वेज मेयोनीज के साथ। और ये देखिए हमारे मसाला ओट्स को कितना ये टेस्टी और साथ ही हेल्दी है। आप इसे अपने माइक्रोवेव में बना सकते हैं। बहुत से लोग ओवन में खाना बनाना नहीं जानते हैं, इसलिए ये वीडियो उनके लिए स्पेशली डेडिकेटेड है। तो इसीलिए मैं आपकी कुछ मदद कर रही हूँ इस समय। और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम की होने वाली है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक हम यहाँ पर बेकिंग डिश लेंगे जिसमें हमें ओट्स को प्रिपेयर करना है। आपके पास जो भी बेकिंग डिश हो आप यहाँ पर ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून देसी घी। आप यहाँ पर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसे 10 सेकेंड के लिए इसे माइक्रोवेव कर लेंगे और इसे मेल्ट कर लेंगे। माइक्रोवेव मोड लगाने के लिए आप यहाँ पर पावर लेवल या फिर यहाँ पर क्विक स्टार्ट बटन से, दोनों से ही आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं बहुत ही क्विक करने के लिए इसे यहाँ पर क्विक स्टार्ट बटन से 30 सेकेंड का मोड यहाँ पर लगा रही हूँ। तो इसे हम प्रेस कर लेते हैं और आप देख सकते हैं मैंने इस घी को यहाँ पर मेल्ट कर लिया है। इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून जीरा। और अब हम इसे माइक्रोवेव की हाई पावर पर इसे हम 30 सेकेंड के लिए जीरे को क्रैकर कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसे 30 सेकेंड माइक्रोवेव कर लिया है। और अब हम इसे हल्का सा स्पैचुला से चला लेंगे। और अब हम इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्च बारीक काटी है मैंने इसमें एक साथ, और इसे मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच के करीब। आप इसे यहाँ पर ऐड कर लें। और इसके बाद मैंने यहाँ पर 1 बड़े साइज का प्याज जिसे मैंने बारीक चॉप किया है इसे भी इसमें ऐड कर लेंगे। और इसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर 1 टेबल स्पून मैगी मसाला। इसकी रेसिपी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये होममेड मैगी मसाला है। इससे हमारा जो मसाला ओट्स है वो बहुत ही टेस्टी बनता है। तो आप इस मैगी मसाला की रेसिपी जरूर देखें। और अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी जगह पर आप 1/2 टीस्पून गर्म मसाला ऐड कर सकते हैं। तो इसे ऐड कर लेते हैं और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये मिक्स हो गया। और अब हम इसे माइक्रोवेव की हाई पावर पर इसे हम 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे ताकि हमारे जो ओनियन गार्लिक और जिंजर है वो अच्छे से कुक हो जाए। फिर उसके बाद इसमें हम बाकी सारी चीजें ऐड करेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर सारी चीजें एक साथ ऐड करके भी इसे कुक कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड कर रही हूँ और थोड़ा थोड़ा कुक कर रही हूँ। आप चाहे तो एक साथ इसे ऐड करके बना सकते हैं या फिर आप मेरी तरह बना सकते हैं। इसे वापस रख देते हैं माइक्रोवेव के अंदर और इसके डोर को क्लोज कर देंगे। और 1 मिनट का मोड लगाने के लिए हम इस क्विक स्टार्ट बटन को 2 बार प्रेस करेंगे। और आप देख सकते हैं 1 मिनट यहाँ पर लग गया है। और ये मैंने इसे 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लिया है। तो इसमें हम बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड करेंगे और इसे बाहर निकाल लेते हैं। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे फाइनली चॉप टोमेटो। यहाँ पर मैंने 1 बड़े साइज का टोमेटो लिया है जिसे मैंने रफली चॉप कर लिया है। और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून सॉल्ट। 1 टीस्पून हम डालेंगे यहाँ पर टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून हम डालेंगे यहाँ पर रेड चिली पाउडर। और इसके बाद यहाँ पर थोड़े से हम डालेंगे हरे मटर के दाने। अगर आपके पास है तो इसे ऐड करें, नहीं तो स्किप कर दें, ये ऑप्शनल है। और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे 1 मिनट के लिए फिर से माइक्रोवेव कर लेंगे। हाई पावर ही लगानी है हमें। और आप देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पर 1 मिनट माइक्रोवेव कर लिया है। और अब हम इसमें ओट्स ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप ओट्स लिया है जो कि बिना फ्लेवर वाला ओट्स है। इसे ऐड कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 1.5 कप वाटर ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। और इसके साथ ही हम यहाँ पर थोड़े से बारीक कटे हुए हरा धनिया ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक हमारे ओट्स अच्छे से कुक नहीं हो जाते, यानी कि अप्रॉक्स आपको 3 से 4 मिनट इसे आपको माइक्रोवेव की हाई पावर पर इसे आपको कुक कर लेना है। अगर आप इसके टॉप को थोड़ा क्रिस्पी बनाना चाहते हैं तो आप माइक्रो प्लस ग्रिल मोड पर भी आप इसे कुक कर सकते हैं। इससे आपका जो ओट्स का टॉप है वो थोड़ा क्रिस्पी हो जाएगा। तो चलिए इसे माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पर माइक्रो प्लस ग्रिल बटन को 1 बार प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं CU1 लिखकर आने लगा है। तो अब हम यहाँ पर कुकिंग टाइम एंटर करेंगे, यानी कि हमें 4 से 5 मिनट इसे हमें कुक करना है। तो हम यहाँ पर 5 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट कर देते हैं।
और ये देखिए हमारा 5 मिनट का टाइम सेट हो गया है और ये मोड हमारा माइक्रो प्लस ग्रिल है। ये हमें तभी लगाना है जब हम इन ओट्स के सरफेस को थोड़ा सा क्रिस्पियर करना चाहते हो। और अगर आपको सरफेस इसका क्रिस्पियर नहीं चाहिए, केवल बॉइल्ड ही चाहिए, तो आप केवल क्विक स्टार्ट बटन से भी इसको कुक कर सकते हैं। तो चलिए इसे हम स्टार्ट करते हैं कुक करना। और ये देखिए हमारा मसाला ओट्स जो है बनकर तैयार हो गया है, वो भी बहुत ही कम समय में और वो भी बहुत ही आसानी से। मैंने यहाँ पर 5 मिनट के अलावा माइक्रो प्लस ग्रिल मोड पर 3-4 मिनट और इसे मैंने कुक किया है। आप भी इस टाइम को इंक्रीज कर ले, यानी कि आपको टोटल यहाँ पर 7-8 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट करना होगा इसे कुक करने के लिए। जैसे ही आपके ओट्स यहाँ पर कुक हो जाए तो आप उन्हें तुरंत माइक्रोवेव से बाहर निकाल लें। मैंने इसके सरफेस को बहुत ज्यादा ग्रिल नहीं किया है, यानी कि बहुत ज्यादा क्रिस्पी नहीं किया है। आप चाहें तो थोड़ा देर और भी इसे क्रिस्पी कर सकते हैं इस मोड पर और बेक करके। तो अब हम इस बोल को माइक्रोवेव से बाहर निकाल लेते हैं इस समय, क्योंकि ये बहुत गर्म है। और आप देख सकते हैं हमारे ओट्स यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कुक हो गए हैं। तो इसे हम कोरिएंडर लीव से इसे हम गार्निश कर देंगे। वैसे मैंने कोरिएंडर लीव ऐड कर चुकी हूँ, इसे बस गार्निशिंग के लिए ऐड कर लूँगी। और मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसा कुक हुआ है। और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से कुक हुआ है, ऐसा नहीं कि ये कच्चा है। आप इसे बिना वेजिटेबल के भी बना सकते हैं, सिर्फ जीरा और मसाले का इस्तेमाल करके। मेरे पास इतनी वेजिटेबल्स थी तो मैंने यहाँ पर ऐड कर ली। आप चाहें तो इसे सिंपल भी बना सकते हैं। एक बार मैं आपको इसे चलाकर दिखाती हूँ कि कैसा बना हुआ है ये। ये बिल्कुल वैसा ही बना हुआ है जैसे कि हम गैस पर बनाते हैं। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप देख सकते हैं इतनी सारी हेल्दी वेजिटेबल्स हैं इसमें, बहुत ही हेल्दी होता है ये ओट्स। ये सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसमें फाइबर बहुत होता है। और साथ ही जो यहाँ पर मैंने बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड की हैं वो भी बहुत ही बेनिफिशियल होती है। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। और क्योंकि इस ओट्स में बहुत सारा फाइबर और विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है ये ओट्स, तो आज मैं आपको ये रेसिपी शेयर कर रही हूँ, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। तो अब हम इस ओट्स को किसी बोल में सर्व कर लेते हैं। तो आपने देखा, आप ओवन में अपने फूड को भी बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। केवल बेकिंग के लिए नहीं, आप अपने खाने को भी बहुत ही आसानी से ओवन में बना सकते हैं। इसके अलावा मैंने बहुत सारी रेसिपी ऑलरेडी शेयर की हैं, आप उन वीडियोस को भी जरूर से देखें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय। और ये देखिए इस गार्लिक ब्रेड को कितनी चीजी बनी हुई है, जिसे मैंने बनाया है अपने ओवन में। इसे बेक करने के लिए आपको कौन सी सेटिंग लगानी है, चलिए इसे हम देख लेते हैं। 1 कप ल्यूक वार्म वाटर लेंगे आप, यानी कि आपका यहाँ पर वाटर जो है बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए और ना ही बहुत ज्यादा गर्म होना चाहिए। आपको इस वाटर के टेम्परेचर को माइंड में रखना है। इस ल्यूक वार्म वाटर से हमारी ईस्ट बहुत जल्दी एक्टिवेट हो जाती है, इसलिए इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। तो अब हम इसमें शुगर और ईस्ट मिक्स करेंगे। और इसके लिए मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून पाउडर शुगर लिया है, जिसे हम इसमें ऐड करेंगे। आप इसकी जगह पर नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी डिजोल्व हो जाती है पाउडर शुगर, इसलिए मैं यहाँ पर पाउडर शुगर का इस्तेमाल कर रही हूँ। अब इसे ऐड कर लेंगे। और अब मैं इसमें 1/2 टेबल स्पून ईस्ट ऐड करूंगी। ये मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है ये ईस्ट, आप जिस भी ब्रांड का लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी आपको ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून शुगर ऐड किया है, तो यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून यहाँ पर हम एक्टिवेटेड ईस्ट ऐड करेंगे। तो इसे ऐड कर लेते हैं और इसे हम यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 10 मिनट के अंदर ही हमारी ईस्ट यहाँ पर एक्टिवेटेड हो जाती है। ये ईस्ट अलग अलग ब्रांड्स की आती है, आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ये ईस्ट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होती है। और अगर आप इसे ऑनलाइन परचेज करना चाहते हैं तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ से क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इस ईस्ट में हल्के हल्के ऊपर बबल्स आने लगे हैं। इसे हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें अच्छे से बबल आ जाए, फिर उसके बाद इसके हम डो बनाएंगे। तो इसे रख देते हैं। और अब हम यहाँ पर एक बोल में एक यहाँ पर स्टेनर रखेंगे, जिसमें हम इसका डो प्रिपेयर करेंगे। और इसमें हम डालेंगे करीब 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर, और इसके साथ ही हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून डालेंगे मिल्क पाउडर। इससे हमारा जो डो है वो बहुत ही अच्छा बनता है, तो इसमें मैं ऐड कर लूंगी। इस मिल्क पाउडर से हल्की सी मिठास आ जाती है हमारे डो में। इसके बाद हम डालेंगे 1/2 टी स्पून बेकिंग पाउडर इसके, और 1/4 टी स्पून हम डालेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा। यहाँ पर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा ऐड करने से हमारा डो जो है बहुत ही अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसे ऐड किया है। आप चाहे तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब हम इसे अच्छे से स्टेन कर लेंगे।
और ये हो गया। अब हम इसे साइड कर लेंगे और एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पर हाफ टी स्पून मैं ऐड करूँगी यहाँ पर इटालियन सीजनिंग, यानी कि पिज़्ज़ा सीजनिंग, जो पिज़्ज़ा मसाला होता है उसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं, ऊपर से इसे ऐड कर सकते हैं या फिर आप डो में भी ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और हाफ टी स्पून हम डालेंगे यहाँ पर नमक। नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर ज़्यादा सॉल्ट ऐड करना चाहते हैं तो आप थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। और इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारी जो ईस्ट है वो कितनी अच्छे से यहाँ पर एक्टिवेट हो गई है 10 मिनट्स के अंदर ही। अब हम इसे जल्दी से अपना डो प्रिपेयर कर लेते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह ये हो जाती है एक्टिवेट होने के बाद। और अब हम इसे इसमें ऐड करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। और एक बार इसे मिक्स करने से पहले इसे हम अच्छे से चला लेंगे और इसे इसमें ऐड कर लेंगे और मिक्स करेंगे इसे और ऐड करेंगे यहाँ पर इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। और अब हमने साफ हाथों से इसे अच्छे से नीट करेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर हाफ टेबल स्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे। आप इसकी जगह पर कोई भी वेजिटेबल ऑयल ले सकते हैं। अगर आपके पास ऑलिव ऑयल है तो आप इसे ऐड करें, तो इसे ऐड कर लेंगे ताकि हमारा डो जो है बिल्कुल चिकना हो जाए। और अब हम इस डो को करीब 2 से 3 मिनट इसे अच्छे से नीट कर लेंगे ताकि ये डो हमारा बिल्कुल चिकना हो जाए। इसे आपको ऐसे नीट करना है। और आप देख सकते हैं मैंने इस डो को 3 से 4 मिनट अच्छे से इसे नीट कर लिया है। और आपको भी ऐसे ही इस डो को ऐसे चिकना कर लेना है। इसे हम बार बार फोल्ड कर लेंगे ऐसे, इसे हम ऐसे चिकना कर लेंगे। और ये हमारा डो यहाँ पर बिल्कुल तैयार है। और अब हम इस बोल में इसे सेंटर पर रख देंगे और इसे हम कवर कर लेंगे। कवर करने के लिए आप नॉर्मल प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आपके पास अगर ये क्लीन रैप है तो आप इससे इसे कवर कर सकते हैं, जैसे कि मैं करने जा रही हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह भी आप इसे कवर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये क्लीन रैप है तो इस तरीके से इसे कवर कर लेंगे आप। अब हम इस डो को किसी गर्म जगह पर 1 से 2 घंटे के लिए रख देंगे, जब तक ये अच्छे से फर्मेंट नहीं हो जाता है। फिर उसके बाद इसे हम चेक करेंगे। ये डो डबल साइज से भी ज़्यादा हो जाता है फर्मेंट होने के बाद, इसकी यही पहचान होती है। तो इसे हम ऐसे ही रख देंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लेंगे और जिसमें हम बटर ऐड करेंगे। ध्यान रहे हमारा बटर यहाँ पर रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। और इस बटर में अब हम डालेंगे गार्लिक क्लोव्स और कोरिएंडर लीव, जिसे मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। मैंने यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच गार्लिक क्लोव्स फाइनली चॉप ऐड किया है और 1 ही बड़ा चम्मच यहाँ पर कोरिएंडर लीव्स फाइनली चॉप ऐड किया है। और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये यहाँ पर अच्छे से मिक्स हो गया है। इसे आपको प्रीहीट कैसे करना है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। वैसे मैंने इसका वीडियो ऑलरेडी शेयर कर दिया है कि आपको इस ओवन को प्रीहीट कैसे करना है। तो सबसे पहले इसे प्रीहीट करने के लिए आपको यहाँ पर जो बटन दिख रहा है ग्रिल प्लस कन्वेक्शन का, इसे आपको एक बार प्रेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कन्वेक्शन लिख कर आने लगा है। फिर उसके बाद आपको जिस भी टेम्परेचर पर आपको यहाँ पर बेकिंग करनी है उसी के अकॉर्डिंग ही आप यहाँ पर प्रीहीट यहाँ पर सेट करेंगे। आपको मुझे यहाँ पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर को प्रीहीट करना है, तो यहाँ पर मैं प्रीहीट 1 नंबर 5 दबा दूंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर आने लगा है। तो जैसे ही हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे आप देखेंगे कि प्रीहीट होना शुरू हो जाएगा। मैंने स्टार्ट बटन प्रेस करने वाली हूँ। आप देख सकते हैं ये टाइमिंग आने लगी है डिस्प्ले में। और जैसे ही आपका ओवन यहाँ पर प्रीहीट हो जाएगा ये अपने आप ही टेम्परेचर 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसके बाद आप वापस कन्वेक्शन बटन से अपना टेम्परेचर 150 डिग्री सेंटीग्रेड और टाइमिंग आप यहाँ पर सेट करेंगे तो आपकी बाकी सारी चीज़ें जो भी आप बेक करना चाहते हैं जिस टेम्परेचर पर, वो बेक होना शुरू हो जाएंगी। बस प्रीहीट और टेम्परेचर सेट करने में इतना अंतर है कि आपको यहाँ पर टाइमिंग नहीं सेट करनी है। जैसे कि प्रीहीट में आपको टाइमिंग नहीं लगानी है। और अगर आप कुकिंग कर रहे हैं आपको मालूम है कि कितने टेम्परेचर पर हमारी चीज़ें पक जाएंगी, तो उस समय आपको यहाँ पर टाइम सेलेक्ट करना होता है। तो यानी कि प्रीहीट अपने ओवन को कर लेंगे। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं डिस्प्ले में यहाँ पर PPRE लिख कर आ रहा है। और अब मैं इसे प्रीहीट कर लेती हूँ।
अगर आप माइक्रोवेव मोड पर कुकिंग करना चाहते हैं, माइक्रोवेव मोड पर कुकिंग करते हैं, तो आपको अपने ओवन को प्री हीट करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि माइक्रोवेव मोड बहुत ही क्विक होता है, आपके चीजों को बहुत ही जल्दी पका देता है। इसमें आपके ओवन के गर्म होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप कन्वेक्शन या ग्रिल मोड पर कोई भी चीज को बेक करते हैं, तो आपके ओवन को प्री हीट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि जैसे ही आप ओवन में अपने चीजों को डालेंगे तो ग्रिल रॉड, जो कन्वेक्शन के फीचर्स फैन वैन है, वो अच्छे से प्रोसेस करने लग जाते हैं, और जैसे ही आप अपना फूड अंदर डालेंगे वो अंदर से कुक होने लग जाता है, यानी कि प्रोसेस तेज हो जाती है। तो आप समझ ही गए होंगे, आपको माइक्रोवेव मोड पर प्री हीट नहीं करना है, केवल कन्वेक्शन और ग्रिल मोड पर ही आपको यहाँ पर प्री हीट करना है। तो मुझे आज यहाँ पर कन्वेक्शन मोड पर कुक करना है, इसलिए मैं इस ओवन को प्री हीट कर रही हूँ। इसे हम प्री हीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद मैं बाकी सारी टेम्परेचर की सेटिंग आपको बताऊंगी। आप देख सकते हैं हमारा डो यहाँ पर कितने अच्छे से फूल गया है। इसकी क्लीन रैप को हम निकाल देते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं साइड से कितने अच्छे से फूला हुआ है ये। इसे हम यहाँ पर एक पंच मार के देखते हैं। बहुत ही लाइट और बहुत ही सॉफ्ट हो चुका है ये डो, आप देख सकते हैं। और अब मैं इस बोल को साइड कर दूंगी। जहाँ पर भी हमें इसे बेलना है, थोड़ा सा हम मैदा स्प्रिंकल कर देंगे, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर जो हमने जिससे डो को प्रिपेयर किया था उसे इस पे यहाँ पर स्प्रिंकल कर लेंगे, और इस मैदा को इसके ऊपर अच्छे से लगा लेंगे हम। इसे ऐसे फोल्ड कर लेंगे, और अब हम इस डो को 4 पोर्शन में कट कर लेंगे। इसे अलग कर लेंगे और इसे हम ऐसे गोल कर लेंगे। और अब हम इस रोलर पिन से, यानी कि बेलन से, इसे हम गोल बेल लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बड़े साइज की रोटी होती है जो कि मोटे साइज की होती है, वैसे ही हम इसे बेल लेंगे। अब हम इसके ऊपर गार्लिक बटर अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम थोड़ा सा इस बटर को मेल्ट कर लेंगे, ताकि इसे अप्लाई करने में हमें थोड़ी सी आसानी हो। आप चाहे तो इसे माइक्रोवेव में मेल्ट कर सकते हैं, या फिर गैस पर भी आप पैन में बटर को मेल्ट कर सकते हैं। जैसे भी आपको ईजी लगे आप इसे कर सकते हैं। तो हम इस बटर को मेल्ट कर लेंगे 30 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में। और माइक्रोवेव में इसे रखने से पहले इस स्पून को जरूर से अलग कर लें, क्योंकि मैं इसे माइक्रोवेव पर इसे मेल्ट करने वाली हूँ। तो इसे हम मेल्ट कर लेंगे अब स्पून को हटाकर। और ये हमारा बटर यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो गया है, अब हम इसमें अप्लाई कर लेंगे इसे। आप जिस भी बेकिंग डिश में इसे पकाना चाहते हैं उसके ऊपर रखकर इस काम को करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। मैं यहाँ पर इसे सिंपल बोर्ड पर कर रही हूँ। अब हम इसके एक साइड पर मोजरेला चीज ग्रेट की हुई ऐड करेंगे। ये सिंपल मोजरेला चीज है, आप किसी भी ब्रांड की यहाँ पर मोजरेला चीज़ को ऐड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे चीज़ यहाँ पर बहुत पसंद है। यहाँ पर मैं चीज़ अच्छी क्वांटिटी ऐड करूँगी, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, और ये बहुत ही चीज़ी बनते हैं गार्लिक ब्रेड। अब आप यहाँ पर कोई भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं जो बहुत ही ईजिली कुक हो जाती है। मैं यहाँ पर रेड कैप्सिकम इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, उसके ऊपर ऐसे रख लेंगे। आप इसमें ऑलिव भी ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसके ऊपर इटालियन सीजनिंग स्प्रिंकल करूंगी, यानी कि पिज्जा सीजनिंग जो कि पिज्जा के ऊपर पड़ती है। इसे अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे चारों तरफ, ताकि इसका फ्लेवर आए गार्लिक ब्रेड का अच्छे से। चिली फ्लेक्स को स्प्रिंकल करेंगे, और अब हम इसे फोल्ड कर लेंगे इसे। और इसके कॉर्नर्स को हम अच्छे से प्रेस कर देंगे, ताकि ये खुले नहीं। और हमें यहाँ पर जो माइक्रोवेव के साथ बेकिंग डिश मिली होती है, उसे हम बटर या ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। मैं यहाँ पर बटर इस्तेमाल कर रही हूँ, इससे हमारा गार्लिक ब्रेड इस बेकिंग डिश से आसानी से बाहर निकल आएगा, यानी कि इसमें चिपकेगा नहीं। और अब हम इसे उठाकर इस डिश में रख लेंगे, और इसके ऊपर भी हम गार्लिक बटर को अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर कट्स लगा देंगे, ऊपर से पूरा नहीं कट करेंगे, लेकिन हल्का सा कट का निशान लगा देंगे, ताकि इसके बेक होने के बाद इसे हम पीसेस में डिवाइड कर पाएं। तो इसे हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जितने भी बड़े साइज के हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम इसे यहाँ पर कट कर लेंगे। बस इसे हल्का सा ऊपर हमें निशान बनाना है, पूरा कट नहीं करना है।
और ये देखिए मैंने यहाँ पर ऐसे कट लगाए हैं। मैंने यहाँ पर पूरा इसे कट नहीं किया है, बस यहाँ पर कट का निशान लगाया है ताकि ये बेक होने के बाद हम इसे पीसेस में डिवाइड कर पाएं आसानी से। तो हमारा यहाँ पर ओवन जो है अच्छे से प्री हीट हो चुका है और अब हम इस डिश को इस ओवन के अंदर रख लेते हैं। इस समय हमारा ओवन बहुत गर्म है तो इसे हम बचा के रख देंगे और इसके डोर को हम यहाँ पर क्लोज कर देंगे और बाकी सारी सेटिंग्स लगाने के लिए हम यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे, फिर उसके बाद नंबर 5 प्रेस करेंगे क्योंकि हम यहाँ पर 150 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर सेट कर रहे हैं। आप देख सकते हैं डिस्प्ले में यहाँ पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आ रहा है। तो अब हमें इसे 5 मिनट इसे बेक करना है, तो अब हम इसे यहाँ पर 5 मिनट का टाइम सेट करेंगे। और ये देखिए 5 मिनट का मैंने यहाँ पर टाइम सेट कर दिया है और जैसे ही हम यहाँ पर स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे हमारी कुकिंग प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं। आप यहाँ पर इस सेटिंग को ऑटो कुक मेन्यू बटन कॉन्टिनेंटल बटन से भी सेट कर सकते हैं जिसका कोड है CO02, जिसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि आपको कैसे सेट करना है। तो उससे भी आप पिज्ज़ा या गार्लिक ब्रेड को बेक कर सकते हैं। और ये देखिए हमारे गार्लिक ब्रेड को कितने अच्छे से बेक हुआ है और अब हम इसे ओवन से बाहर निकाल लेंगे। वाओ कितना अच्छा इसका टेक्सचर आया है, आप देख सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर सीजनिंग डालेंगे, इटालियन सीजनिंग, और साथ ही चिली फ्लेक्स डालेंगे और इसे कट कर लेंगे पीसेस में। और ये देखिए ये हमारा गार्लिक ब्रेड बहुत ही चीज़ी बना हुआ है। और कितने अच्छे से कुक भी है। बिल्कुल माउथ मेल्टिंग है। बहुत ही डिलीशियस है ये रेसिपी। बहुत ही चिवी और बहुत ही चीज़ी, बहुत ही बटरी, बहुत ही डिलीशियस। आप इसे वेज मेयोनीज के साथ गर्मा गर्म सर्व करें और एंजॉय करें इस रेसिपी को। इसके लिए हमें यहाँ पर एक ग्राइंडिंग जार लेना होगा जिसमें हम अपने बिस्किट को चर्न करेंगे। तो इस बिस्किट्स के पैकेट को ओपन कर लेते हैं और इसे ग्राइंडर में डाल देते हैं। तो अब हम इस जार को कवर करके इसे अच्छे से चर्न कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारे चॉकलेट बिस्किट्स अच्छे से यहाँ पर ग्राइंड हो चुके हैं। तो अब हम इसे किसी मिक्सिंग बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और अब हमने जो बिस्किट्स को ग्राइंड किया है उसमें हम मिल्क ऐड करेंगे। रूम टेम्परेचर पर मिल्क है, अब हम इसे ऐड कर लेंगे और इसका बैटर प्रिपेयर कर लेंगे। मिक्स करेंगे इसे, मिल्क और ऐड करेंगे और फिर से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हमारे चॉकलेट केक का बैटर जो है तैयार हो गया है। बैटर की कंसिस्टेंसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर मिल्क को ऐड करें। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इन्हें हम अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लेंगे और अब हम इसमें केक बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप इसके अंदर कोई भी चॉकलेट ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास डेरी मिल्क चॉकलेट हो तो आप डेरी मिल्क ऐड कर लें, नहीं तो अगर आपके पास डार्क कंपाउंड चॉकलेट हो तो आप डार्क कंपाउंड चॉकलेट को भी ऐड कर सकते हैं। दोनों से ही चोकोलावा केक बहुत ही अच्छा बनता है। तो मैंने डार्क कंपाउंड चॉकलेट को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है जिसे हम इसमें ऐड कर लेंगे। तो अब हम इसे बेक करेंगे। बेक करने के लिए आप इसे बिना कवर किए हुए बेक कर सकते हैं क्योंकि केक हमारा छोटे साइज का है तो इसलिए बर्न नहीं होगा, अच्छे से बेक हो जाएगा। और फिर भी अगर आपका केक बर्न हो जाता है तो आप सिल्वर फॉइल से इसे कवर कर सकते हैं और फिर उसके बाद बेक कर सकते हैं, क्योंकि ग्रिल प्लस कन्वेक्शन में हो सकता है कि आपका केक बर्न हो जाए। अगर आप इसे OTG या फिर किसी ऐसे माइक्रोवेव में बेक कर रहे हैं जिसमें कन्वेक्शन मोड अलग से है तो इसमें डरने की बात नहीं है, ये आराम से
15 से 20 मिनट में बेक हो जाता है कन्वेक्शन मोड पर। तो चलिए इसे हम बेक कर लेते हैं। मैं इस केक को रेमेकिन्स में बेक कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे सिरेमिक कप या फिर एल्युमिनियम के जो भी आपके पास मोल्ड हो आप उसमें बेक कर लें, क्योंकि ये ओवन सेफ होते हैं, तो इसे हम रख लेंगे इसमें। और इसे ओवन में रखने से पहले आप अपने ओवन को 180 डिग्री में प्रीहीट कर लें, फिर इसके बाद ही आप अपने केक को ओवन के अंदर रखें बेक होने के लिए। और इसके डोर को अब हम क्लोज कर देंगे। इसे बेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे। अगर आपके ओवन में कन्वेक्शन मोड है तो आप इसे कन्वेक्शन मोड पर बेक करें, क्योंकि इस ओवन में केवल ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड है, तो इसे हम ग्रिल प्लस कन्वेक्शन ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसे हम एक बार प्रेस करेंगे, 180 डिग्री हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप केवल कन्वेक्शन मोड पर ही इसी टेम्परेचर को सेलेक्ट कर लेंगे, बस टाइम आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड के कंपैरिजन में। और यहाँ पर हम टाइम यहाँ पर 10 से 12 मिनट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 12 मिनट हम एंटर कर देते हैं, फिर उसके बाद हम इसे नीड के अकॉर्डिंग इसे चेक कर लेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। तो 1 प्रेस करेंगे, 200, आप देख सकते हैं मैंने 12 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट किया है। आप भी ऐसे ही टेम्परेचर को सेट कर लें। तो अब हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं हमारा चौको लावा केक अच्छे से बेक हो चुका है। तो इन्हें हम बाहर कर लेंगे। तो ये देखिए कितना परफेक्टली हमारा केक यहाँ पर बेक हुआ है। तो चलिए इस चौको लावा केक को हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो हम इस केक को इसे चारों तरफ अच्छे से स्क्रैच करके इसे बाहर निकाल लेंगे। इस केक के ऊपर अब हम पाउडर शुगर डस्ट कर लेंगे और इसे हम चेरी से सजा लेंगे। ऐसे ही हम दूसरे को भी अनमोल्ड कर लेंगे, पाउडर शुगर स्प्रिंकल करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। आप इसे गेहूं के आटे से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे सॉल्ट यानी कि नमक। 1/2 टीस्पून हम ऐड करेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून यहाँ पर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। और इसके बाद हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून यहाँ पर ऐड करेंगे पाउडर शुगर। आप यहाँ पर नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पिसी हुई चीनी है। और इसके बाद 1 टेबल स्पून यहाँ पर हम ऐड करेंगे हनी यानी कि शहद। इसे ऐड करने से हमारे जो डो का वो फर्मेंटेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है, इसलिए आप इसे ज़रूर ऐड करें। और इससे हल्की सी मिठास भी आ जाती है। तो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें दही को मिक्स करके इसे अच्छे से नीट करेंगे, क्योंकि हम इसे बिना ईस्ट के बना रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम दही का इस्तेमाल करेंगे। अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डो को स्टिकी बनाया है, आपको भी ऐसे ही बना लेना है। और अब हम इसमें फिर से रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। और इस डो को मैंने यहाँ पर चिकना कर लिया है। अब हम इस डो को 1/2 आवर के लिए कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके सेट होने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। और 1/2 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसे चेक करेंगे। कुछ इस तरह हमारा डो हो गया है यहाँ पर और आप देख सकते हैं हमने बहुत ही स्टिकी सा डो बनाया था और ये हमारा डो लगभग चिकना हो चुका है। तो इसे हम बोल से बाहर कर लेते हैं और इसे काउंटर पर रखेंगे। हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदे को स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इस डो को हल्का सा नीट कर लेंगे। अब हम साइज़ के अकॉर्डिंग इसे उतने ही पोर्शन में डिवाइड करेंगे। अगर आप बड़े साइज़ का यहाँ पर कुछ भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, और अगर आप छोटे साइज़ के बनाने चाहते हैं तो आप इसे 4 पोर्शन में कट कर लेंगे। तो अब हम इसे 4 पोर्शन में कट कर लेते हैं। और इसे अलग कर लेंगे।
आप देख सकते हैं चार पोर्शन में मैंने डिवाइड कर लिया इसे। अब हम बाकी के रख देते हैं और एक को हम रख लेंगे अपने पास, बाकी को हम कवर करके रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो किसी भी बोल में। ये देखिए मैंने इन्हें रख दिया है और इसे कवर भी कर देंगे। तो कैसे इसे हमें प्रीहीट मोड लगाना है वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। इसको आपको 180 डिग्री सेट करने के लिए आप यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि डिस्प्ले में कन्वेक्शन लिखकर आने लगा है। और इसके बाद क्योंकि हमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट करना है प्रीहीट के लिए, तो यहाँ पर हम 8 नंबर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर लिखकर आने लगा है, यानी कि ये हमारा 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जिसे हमें यहाँ पर प्रीहीट करना है। अब हम जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे हमारा ओवन यहाँ पर प्रीहीट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसे हम प्रीहीट कर लेते हैं। और अब हम आते हैं एक सिंगल डो में, अच्छे से इसमें हम लगा लेंगे फ्लावर को। और अब हमारे घर में जो पानी के ग्लास होते हैं उनसे हम इन पिज्जा को कट करेंगे। अगर आपके पास गोल शेप का कटर है तो आप उससे भी कट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप सिंपल ग्लास से कट कर सकते हैं जिनका एजेस जो है काफी शार्प होते हैं, जिससे आप इन्हें गोल शेप में कट कर सकते हैं। तो अब हम कट कर लेंगे। छोटा चाहिए तो आप छोटे ग्लास का इस्तेमाल करें और इससे बड़ा चाहिए तो आप इससे बड़े ग्लास का इस्तेमाल करें। तो ऐसे सिंपल हम जैसे कुकी कटर होता है वैसे इसे गोल गोल कट कर लेंगे। ये देखिए आप इस पिज्जा को ब्रेड से भी बना सकते हैं, उसमें आपको डो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने इक्वल साइज के ग्लास की मदद से इसे कट कर लिया है। तो अब हमें सिंपली इस डो को उठा लेना है, तो इससे जो हमारा कटिंग वाला पोर्शन है वो अलग हो जाएगा। और अब हम इस बेकिंग डिश में ऑयल अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो जो पिज़्ज़ा हमने बनाया है उसे इस बेकिंग डिश में रख लेते हैं। इनमें हम पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करेंगे, टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप चाहें तो ज़्यादा भी लगा सकते हैं क्योंकि पिज़्ज़ा हमारे छोटे साइज़ के हैं, तो हम इसमें ज़्यादा मैंने नहीं ऐड किया है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर सॉस अप्लाई कर दिए हैं। अब हम इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड करेंगे, आप यहाँ पर सेडार चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, प्रोसेस चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, स्वीट कॉर्न्स ऐड कर सकते हैं अगर आपके पास हैं तो, या फिर और भी कोई वेजिटेबल्स आप ऐड कर सकते हैं। जो वेजिटेबल जल्दी कुक हो जाती हैं वही वेजिटेबल हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर हम फाइनली चॉप टोमेटो ऐड करेंगे जिनके मैंने सीड्स निकाल दिए हैं, तो इसे ऐड कर लेते हैं। अगर आपके पास कैप्सिकम है तो यहाँ पर कैप्सिकम ऐड करें, इससे हमारा पिज्ज़ा बहुत ही कलरफुल लगेगा देखने में। ग्रीन चिली ऐड करेंगे जिसे मैंने ऐसे स्लिट किया हुआ है, अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ही इसे ऐड करें, नहीं तो इसे स्किप कर सकते हैं। फाइनली चॉप ऑनियंस ऐड करेंगे और अब हम इसे ऑलिव से सजाएंगे। इसके ऊपर फिर से हम चीज़ को स्प्रिंकल कर देंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे बस थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए ताकि मेल्ट हो तो वो चीज़ हमारी दिखे ऊपर। तो अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा ऑरिगैनो स्प्रिंकल करेंगे। ये सीजनिंग बहुत ही टेस्टी लगती है, अगर आप चाहें तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। पिज़्ज़ा चिली ऐड करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी पिज़्ज़ा की टॉपिंग यहाँ पर अच्छे से हो चुकी है। अगर आप यहाँ पर कॉटेज चीज़ को भी ऐड करना चाहते हैं, मशरूम ऐड करना चाहते हैं, तो आप उसे भी ऐड कर सकते हैं। और हमारा यहाँ पर ओवन अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, तो चलिए इसे बेक कर लेते हैं। इसे बेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे। अगर आपके ओवन में कन्वेक्शन मोड है तो आप इसे कन्वेक्शन मोड पर बेक करें, क्योंकि इस ओवन में केवल ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड है, तो इसे हम ग्रिल प्लस कन्वेक्शन ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसे हम एक बार प्रेस करेंगे। पिज्जा के लिए 180 डिग्री सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री हम सेलेक्ट कर लेंगे।
आप केवल कन्वेक्शन मोड पर ही इसी टेम्परेचर को सिलेक्ट कर लेंगे। बस टाइम आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड के कंपैरिजन में। अगर आप ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड पर पिज्जा को बेक करते हैं, इससे जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से ग्रिल हो जाती हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड पर ही पिज्जा को बेक करेंगे तो उससे हमारा पिज्जा बहुत ही अच्छा बेक होगा। आप इसे कन्वेक्शन में भी बेक कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पिज्जा को बेक करने के लिए टाइम सेट करेंगे। टाइम हम यहाँ पर 8 से 10 मिनट का सेट करेंगे, तो यहाँ पर हम 10 मिनट एंटर कर देते हैं। और जैसे ही हमारे पिज्जा यहाँ पर बेक हो जाएंगे, हम उन्हें देखते रहेंगे और उन्हें हम ओवन से बाहर कर लेंगे। अगर आप केवल इसे कन्वेक्शन मोड पर बेक कर रहे हैं तो इसे आप 10 से 12 मिनट इसे बेक करेंगे, क्योंकि केवल कन्वेक्शन मोड पर हमें थोड़ा टेम्परेचर को इंक्रीज करना पड़ेगा क्योंकि उसमें ग्रिल नहीं है। तो अब हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और इस पिज्जा को अच्छे से बेक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा पिज्जा यहाँ पर अच्छे से बेक हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्टली बेक हुआ है। अभी मैं इसका क्रस्ट भी दिखाऊंगी कि कैसा पका है लोअर साइड से। आप देख सकते हैं हमारी सारी वेजिटेबल्स अच्छे से ग्रिल हो चुकी हैं, तो इसे ओवन से बाहर कर लेते हैं। तो इस पिज्जा को टोमेटो केचप या मायो के साथ सर्व करें और एंजॉय करें इस रेसिपी को। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 कप मैदा। आप इसे गेहूं के आटे से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। 1 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे सॉल्ट यानी कि नमक। 1/2 टीस्पून हम ऐड करेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून यहाँ पर हम ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। और इसके बाद हम यहाँ पर 1 टेबलस्पून यहाँ पर ऐड करेंगे पाउडर शुगर। आप यहाँ पर नॉर्मल चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पिसी हुई चीनी है। और इसके बाद 1 टेबलस्पून यहाँ पर हम ऐड करेंगे हनी यानी कि शहद। इसे ऐड करने से हमारी जो डो का वो फर्मेंटेशन है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है, इसलिए आप इसे ज़रूर ऐड करें। और इससे हल्की सी मिठास भी आ जाती है, तो इसे हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें दही को मिक्स करके इसे अच्छे से नीट करेंगे, क्योंकि हम इसे बिना ईस्ट के बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हम दही का इस्तेमाल करेंगे। अपने हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर डो को स्टिकी बनाया है, आपको भी ऐसे ही बना लेना है। और अब हम इसमें फिर से रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। और इस डो को मैंने यहाँ पर चिकना कर लिया है। अब हम इस डो को 1/2 आवर के लिए कवर करके ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके सेट होने के बाद हम आगे की प्रोसेस करेंगे। और 1/2 घंटे हो चुके हैं और अब हम इसे चेक करेंगे। कुछ इस तरह हमारा डो हो गया है यहाँ पर, और आप देख सकते हैं हमने बहुत ही स्टिकी सा डो बनाया था और ये हमारा डो लगभग चिकना हो चुका है। तो इसे हम बोल से बाहर कर लेते हैं और इसे काउंटर पर रखेंगे। हम काउंटर पर थोड़ा सा मैदे को स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इस डो को हल्का सा नीट कर लेंगे। अब हम साइज के अकॉर्डिंग इसे उतने ही पोर्शन में डिवाइड करेंगे। अगर आप बड़े साइज का यहाँ पर कुछ भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसे 2 पोर्शन में डिवाइड करेंगे, और अगर आप छोटे साइज के बनाने चाहते हैं तो आप इसे 4 पोर्शन में कट कर लेंगे। तो अब हम इसे 4 पोर्शन में कट कर लेते हैं। और इसे अलग कर लेंगे। आप देख सकते हैं 4 पोर्शन में मैंने डिवाइड कर लिया इसे। अब हम बाकी के रख देते हैं और 1 को हम रख लेंगे अपने पास, बाकी को हम कवर करके रख देंगे ताकि ये ड्राई ना हो किसी भी बोल में। ये देखिए मैंने इन्हें रख दिया है और इसे कवर भी कर देंगे। तो कैसे इसे हमें प्रीहीट मोड लगाना है वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देती हूँ। इसको आपको 180 डिग्री सेट करने के लिए आप यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को 1 बार प्रेस करेंगे
और आप यहाँ पर देखेंगे कि डिस्प्ले में कन्वेक्शन लिखकर आने लगा है। और इसके बाद क्योंकि हमें 180 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट करना है प्री हीट के लिए, तो यहाँ पर हम 8 नंबर प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं 180 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पर लिखकर आने लगा है, यानी कि ये हमारा 180 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है जिसे हमें यहाँ पर प्री हीट करना है। अब हम जैसे ही यहाँ पर स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे हमारा ओवन यहाँ पर प्री हीट होना शुरू हो जाएगा। तो चलिए इसे हम प्री हीट कर लेते हैं। और अब हम आते हैं एक सिंगल डो में। अब हम इसे दो अनइक्वल पोर्शन में डिवाइड करेंगे, यानी कि एक हम छोटा यहाँ पर लेंगे और एक बड़ा लेंगे। तो इसे टू पोर्शन में यहाँ पर डिवाइड कर लेंगे। ये देखिए, ये बड़े साइज की है और ये छोटे साइज। इसे हम ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे और छोटे साइज वाली को भी ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे। तो अब हम इन्हें बेलेंगे। एक हमें यहाँ पर पतला साइज का बेलना है और एक हमें यहाँ पर मोटे साइज का बेलना है। तो हम दोनों को बेल लेते हैं बारी बारी और फिर इससे पिज्जा बनाते हैं। तो हम सबसे पहले बड़े वाले को बेलेंगे। अच्छे से इसमें हम लगा लेंगे फ्लावर को। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर बड़े साइज का बेल लिया है इसे। तो अब हम इसे इस बेकिंग डिश के ऊपर रख लेंगे। अभी ये अनइवन है, अभी हम इसे बराबर कर लेंगे। इसे चारों तरफ स्ट्रेच कर देंगे बराबर से। और अब हम इस बेस के ऊपर मोजरेला चीज़ जो हमने ग्रेट करके रखी है उसे इसके ऊपर ऐड करेंगे। इसको हमें सेंटर पर ऐड करना है। आप चाहें तो यहाँ पर होममेड चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मोजरेला चीज़ थी तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इसे। तो इसको इसके सेंटर पर हम रख लेते हैं। तो ये मैंने चीज़ को इसके ऊपर रख दिया है। तो अब हम यहाँ पर जो छोटा पोर्शन था जिसे मैंने डो से अलग किया था उसे हम रोल करेंगे। तो इसे भी हम ऐसे ही पतले शेप में इसे हम रोल कर लेंगे। जैसे एक पतली रोटी होती है वैसे ही इसे हम रोल कर लेंगे। तो इसे मैंने रोल कर लिया है। तो अब हम इसे उसी पिज़्ज़ा बेस के ऊपर रख लेंगे। इसे कैसे करना है आप देख लीजिए। ये रहा हमारा पिज़्ज़ा। तो अब हम जो हमने पतली रोटी शेप में बनाई है उसे इसके ऊपर कवर कर देंगे इस चीज़ को, और इसे हम स्ट्रेच करेंगे क्योंकि ये श्रिंक हो जाता है मैदा, ताकि हमारी चीज़ अंदर अच्छे से कवर हो जाए। तो ये देखिए, मैंने चीज़ को इसमें अच्छे से कवर कर दिया है और इसे एक बार अच्छे से प्रेस कर देंगे ऐसे। यहाँ पर हल्का सा वाटर को हम अप्लाई कर लेते हैं ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर दिया है। हमारा चीज़ बस पिज़्ज़ा का जो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छे से तैयार हो गया है। तो अब हम इसमें जैसे बाकी सारी टॉपिंग करते हैं वैसे ही करेंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल हो आप यहाँ पर टॉपिंग कर सकते हैं, तो इसे टॉपिंग कर लेते हैं। एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर इस पिज़्ज़ा बेस में ऑयल या बटर अभी नहीं अप्लाई करना है। अगर आप इसमें ऑयल या बटर अप्लाई कर देंगे तो ये पकने से पहले ही इसका क्रस्ट जो है वो ब्राउन होने लगेगा। इससे क्या होगा, आपका पिज़्ज़ा बेस क्रिस्पी होने से पहले ही इसके क्रस्ट जो है ब्राउन होने लगेंगे। अगर आप रेडीमेड पिज़्ज़ा बेस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उसमें बटर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप घर पर बनाए हुए डो से आप बेस बना रहे हैं तो आप उसमें बटर को अप्लाई नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर बटर अप्लाई नहीं किया है, आपको भी सिंपली इसके ऊपर पिज़्ज़ा सॉस को अप्लाई करना है। तो चलिए पिज़्ज़ा सॉस को अप्लाई कर लेते हैं। आप इस पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये होममेड पिज़्ज़ा सॉस है और इसके साथ ही हम यहाँ पर टोमेटो केचप ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और फिर से हम यहाँ पर चीज ऐड करेंगे। कॉटेज चीज ऐड करेंगे, ऑनियन ऐड करेंगे, इस साइड हम दूसरे शेप में कटी हुई ऑनियंस को रखेंगे ताकि थोड़ा डिफरेंट सा हमारा पिज़्ज़ा लगे देखने में। और अब हम स्वीट कॉर्न्स ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर एक ही साइड स्वीट कॉर्न्स को ऐड किया है और इसके दूसरे साइड को हम ऑलिव से सजाएंगे।
चीज़ स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा ओरिगैनो और पिज़्ज़ा चिली स्प्रिंकल करेंगे। अगर आप चाहें तो मैं इसका ऑनलाइन परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप इसे परचेज भी कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इस ओरिगैनो का, तो चलिए इसे स्प्रिंकल कर लेते हैं। आप चाहें तो इसे बाद में भी स्प्रिंकल कर सकते हैं, चिली फ्लेक्स। तो हमारा ओवन अच्छे से प्री हीट हो चुका है, तो चलिए इसे बेक कर लेते हैं ओवन में डालकर। इसे बेक करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे। अगर आपके ओवन में कन्वेक्शन मोड है तो आप इसे कन्वेक्शन मोड पर बेक करें, क्योंकि इस ओवन में केवल ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड है, तो इसे हम ग्रिल प्लस कन्वेक्शन ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो इसे हम एक बार प्रेस करेंगे। पिज्जा के लिए 180 डिग्री सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है, तो यहाँ पर 180 डिग्री हम सेलेक्ट कर लेंगे। आप केवल कन्वेक्शन मोड पर ही इसी टेम्परेचर को सेलेक्ट कर लेंगे, बस टाइम आप थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड के कंपैरिजन में। अगर आप ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड पर पिज्जा को बेक करते हैं, इससे जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो अच्छे से ग्रिल हो जाती हैं, तो इसलिए आप यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड पर ही पिज्जा को बेक करेंगे, तो उससे हमारा पिज्जा बहुत ही अच्छा बेक होगा। आप इसे कन्वेक्शन में भी बेक कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर टाइम सेट करेंगे, और यहाँ पर हम टाइम यहाँ पर 10 से 12 मिनट सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 12 मिनट हम एंटर कर देते हैं। फिर उसके बाद हम इसे नीड के अकॉर्डिंग इसे चेक कर लेंगे और इसे बाहर निकाल लेंगे। तो 1 प्रेस करेंगे, 200, आप देख सकते हैं मैंने 12 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट किया है। आप भी ऐसे ही टेम्परेचर को सेट कर ले, लगभग इसी टेम्परेचर पर आपका जो पिज्जा है वो अच्छे से बेक हो जाएगा, और इसका जो पिज्जा बेस है वो भी अच्छे से कुक हो जाएगा। तो अब हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और इस पिज्जा को अच्छे से बेक कर लेंगे। अगर आप इसे केवल कन्वेक्शन मोड पर बेक कर रहे हैं, तो आप इसे 2-3 मिनट टाइम को इंक्रीज कर लें, यानी कि आप 12-15 मिनट इसे आप बेक कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा पिज्जा यहाँ पर अच्छे से बेक हो चुका है, तो इसे हम बाहर कर लेते हैं। हमारा पिज्जा बेस भी अच्छे से कुक हो चुका है और ऊपर वेजिटेबल्स भी अच्छे से कुक हो चुकी हैं, तो चलिए इसे अब हम सर्व करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा पिज्ज़ा बेस यहाँ पर अच्छे से कुक हुआ है। बहुत लोग कह रहे थे पिज्ज़ा बेस हमारा लोअर साइड से अच्छे से कुक नहीं होता है, तो मैं पलट के आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए बहुत ही अच्छे से कुक हुआ है ये हमारा पिज्ज़ा बेस। ये देखिए हम इसे आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। बहुत ही चीज़ी है ये पिज़्ज़ा, क्योंकि हमने चीज़ का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया है इसमें। और ये देखिए इस करेले की सब्जी कितनी टेस्टी बनी हुई है, जिसे मैंने बनाया है ओवन में। तो चलिए इसे कैसे बनाना है इसे देख लेते हैं। इस करेले के कड़वेपन को निकालने के लिए सबसे पहले हम इसे 2 पोर्शन में कट कर लेंगे, बीसे से कट करेंगे। और जैसा कि आप देख सकते हैं इसके सेंटर पर जो व्हाइट पोर्शन है, इसे हमें अच्छे से निकालना है। तो इसे हम निकाल दें तो ज़्यादा बेहतर होता है, इससे हमारा करेला अच्छे से कुक भी हो जाता है और उसका कड़वापन भी 50-70% तक कम हो जाता है। तो इसे हम निकाल लेते हैं। इसे आप किसी पॉइंटेड नाइफ से इसे ऐसे निकाल लेंगे। आप ऐसे ही मैंने इसे निकाला है, बचा कर निकालिएगा अपनी उंगलियों को। जो भी हमें दिख रहा है इसे हम अच्छे से निकाल लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे निकाल लिया है। थोड़ा बहुत बच भी जाए तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, उसे छोड़ देते हैं। और इसी तरह हम दूसरे पोर्शन का भी यहाँ पर निकाल लेंगे। अगर आप इन सीड्स को निकालना नहीं चाहते हैं तो आप इसे एज इट इज़ कुक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसे इनको निकाल कर ही कुक करती हूँ। इससे जो कड़वापन है ये चला जाता है करेले से, और हमारे करेले की जो सब्जी है वो बहुत टेस्टी लगने लगती है खाने में। और भी ट्रिक्स हैं जिनसे आप इन करेले के कड़वापन को निकाल सकते हैं, एक एक करके मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी। और अब इसे जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे कट किया है, ऐसे ही कट कर लेंगे पतले पतले साइजेस में। आप इसे 2 पोर्शन में कट कर सकते हैं, हाफ हाफ कर सकते हैं। ये करेले की जो रिंग है वो देखने में ज़्यादा अच्छी लगती है, तो मैं इसे सर्कुलर फॉर्म में कट कर रही हूँ। और ऐसे ही हम सारे करेले को कट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसे कट कर लिया है। और यहाँ पर दूसरा स्टेप जो है इसके कड़वेपन को हटाने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें 1/2 टेबल स्पून के करीब यहाँ पर नमक लेना है और इसे इसमें अच्छे से स्प्रिंकल कर लेना है। और अब हम इसे 1/2 आवर के लिए, यानी कि आधे घंटे के लिए इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि जो हमारा नमक है वो करेले का कड़वापन अच्छे से निकाल दे। और फिर हम इसे अच्छे से पानी से वॉश कर लेंगे, और फिर उसके बाद इसकी सब्जी हम तैयार करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग करेले की सब्जी इस वजह से नहीं खाते कि क्योंकि ये बहुत कड़वा होता है, तो अगर आप इसका कड़वापन ऐसे थोड़ा सा निकाल लेंगे तो आपकी सब्जी बहुत अच्छी लगेगी खाने में, और बच्चे भी इसे बिल्कुल शौक से खा लेंगे। तो इसे हम
हाफ एन आवर के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद इसकी हम सब्जी तैयार करेंगे। और यहाँ पर इस करेले के कड़वेपन को दूर करने के लिए तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात माइंड में रखनी है कि आपको यहाँ पर ऑनियन का इस्तेमाल यानी कि प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करना होगा। इससे हमारे करेले का कड़वापन थोड़ा दूर हो जाता है, क्योंकि हमारे प्याज में मिठास होती है हल्की सी, इस वजह से हमारे करेले का जो कड़वापन है वो दूर हो जाता है। तो आप यहाँ पर ऑनियन का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा करें। आप जितना यहाँ पर करेला का इस्तेमाल कर रहे हैं उसके बराबर या उससे थोड़ा सा कम ऑनियन यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 2 से 2.5 कप यहाँ पर ऑनियन, जिसे मैंने बड़े शेप में कट किया है, आप अपने अकॉर्डिंग जैसे भी चाहें इसे कट कर सकते हैं, और मैं इसे इस सब्जी को प्रिपेयर करने में इस्तेमाल करूंगी। और इस करेले में नमक स्प्रिंकल किए हुए मुझे आधे घंटे हो चुके हैं, तो अब हम इसे टैप वाटर से अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी सब्जी प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए इसे वॉश कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पर एक माइक्रोवेव सेफ बोल लेंगे, क्योंकि हम इसे यहाँ पर माइक्रोवेव में बनाने वाले हैं। आप चाहें तो इस काम को कढ़ाई में भी कर सकते हैं। और इसके बाद इसमें हम करीब 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल ऐड करेंगे। आप यहाँ पर कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हैं। और इस ऑयल में हम थोड़े से ग्रीन चिली ऐड करेंगे, जिसे मैंने लंबे शेप में कट किया है। और जो हमने यहाँ पर ऑनियन को कट करके रखा है उसे भी इस बोल में डाल देंगे। और ये मैंने करेले को अच्छे से वॉश कर लिया है टैप वाटर से। अब इसमें हम इसे ऐड करेंगे। और अब हम इसमें स्वाद के अनुसार यहाँ पर नमक ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून सॉल्ट यूज़ किया है। मैंने यहाँ पर 5 करेले यूज़ किए हैं, साथ ही यहाँ पर 3 मैंने बड़े प्याज यूज़ किए हैं। आप इस रेशियो का भी ध्यान रखें। और इसके बाद हम यहाँ पर 1/2 टेबलस्पून डालेंगे धनिया पाउडर। ये ऑप्शनल है, आप चाहते हो इसे स्किप कर सकते हैं अगर बिना मसाले के आप करेले को पसंद करते हैं। और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे यहाँ पर टर्मरिक पाउडर, ये भी ऑप्शनल है, आप चाहते हो इसे स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर हल्दी पाउडर ऐड करने से हमारे जो करेले का ग्रीन कलर है वो थोड़ा और इन्हेंस हो जाता है। कुछ लोग अगर ग्रीन वेजिटेबल्स में हल्दी को डालना पसंद नहीं करते हैं तो वो अवॉइड कर सकते हैं। और 1/2 टेबलस्पून हम यहाँ पर डालेंगे गरम मसाला पाउडर। और अब हम यहाँ पर सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो चलिए इसे अब हम माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं और इसे अच्छे से कुक कर लेते हैं। तो इसे कुक करने के लिए आपको कौन सा मोड लगाना है, चलिए इसे भी हम देख लेते हैं। तो इस वेजिटेबल वाले बोल को हम इस माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं। इसे कुक करने के लिए आपको यहाँ पर इसे प्रीहीट करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसे डायरेक्ट इसे कुक कर सकते हैं। तो अब हम इसके डोर को क्लोज कर देंगे। तो इसे कुक करने के लिए हम यहाँ पर माइक्रो प्लस ग्रिल बटन को एक बार प्रेस करेंगे। आप इसे क्विक स्टार्ट बटन से भी कुक कर सकते हैं, पावर लेवल बटन से भी कुक कर सकते हैं, और यहाँ पर माइक्रो प्लस ग्रिल से भी आप इसे कुक कर सकते हैं, और माइक्रो प्लस कन्वेक्शन से भी आप इसे कुक कर सकते हैं। तो मैं इसे आपको माइक्रो प्लस ग्रिल पे आज कुक करने का तरीका बताने वाली हूँ। तो इसे हम एक बार प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर CU1 आने लगा, और आप देख सकते हैं यहाँ पर छोटा सा ग्रिल और माइक्रो लिखा हुआ है। अब हम यहाँ पर करीब 20 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट करेंगे। बीच बीच में हम इसे चला लेंगे चेक करके, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट यहाँ पर 20 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट करेंगे। यहाँ पर सिर्फ टाइम आप सेट कर सकते हैं, टेम्परेचर वो अपने आप ही लेता है। तो यहाँ पर हम टाइम यहाँ पर 20 मिनट का सेट करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 प्रेस करेंगे और 0 0 0। तो ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 20 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट कर दिया है, और जैसे ही हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे हमारी कुकिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। मिक्स कर लेंगे इसे थोड़ी देर। आप चाहें तो इसे बाहर निकाल कर अच्छे से मिक्स कर सकते हैं, मैं इसे यहाँ पर बचा कर यहाँ पर मिक्स कर ले रही हूँ। और इसे वापस कुक करने देते हैं। मैंने इसे 10 मिनट बाद माइक्रोवेव से बाहर निकाल लिया है। तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर। और इसमें हम लेमन जूस ऐड करेंगे यानी नींबू का रस, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर नींबू का रस ऐड करने से करेले का कड़वापन और भी कम हो जाता है, तो यहाँ पर आप इसे ऐड कर सकते हैं। और इस बोल को जब भी आप माइक्रोवेव से बाहर निकालें बहुत सावधानी से, क्योंकि ये बहुत गर्म होता है। मैंने यहाँ पर ग्लव्स का इस्तेमाल किया है, किसी मोटे टॉवल से इसे पकड़ कर बाहर कर सकते हैं, नहीं तो आप इस ग्लव्स से भी आप इसे बाहर निकाल सकते हैं। तो अब हम इसे वापस माइक्रोवेव के अंदर रख देते हैं और इसे अच्छे से कुक कर लेंगे। और आप देख सकते हैं हमारे करेले यहाँ पर 70% तक कुक हो चुके हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 20 मिनट में ये पूरा कुक नहीं हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर इसे 10 मिनट ग्रिल प्लस माइक्रोवेव मोड पर इसे हम कुक कर लेंगे। आप यहाँ पर कॉम्बिनेशन 2 में भी इसे कुक कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन 1 में भी कुक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने कॉम्बिनेशन 1 लगाया था, उसके डोर को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर 10 मिनट का हम टाइम फिर से सेट कर देंगे।
और ये देखिए 10 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट हो गया है और स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और हमारी वेजिटेबल यहाँ पर कुक होने लगेगी। मैंने इसे अच्छे से चला दिया है, एक बार आप भी इसे जरूर से चला लें। तो स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं और ये हमारा करेले की सब्जी है जो बनकर तैयार हो गई है। तो चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये देखिए इस रस को जिसे मैंने बनाया है ओवन में, और हाँ ये पिस्ते वाले रस्क हैं जो कि आप अपने घर पर ही बना सकते हैं, वो भी बिना ईस्ट के। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे जिसमें हम डालेंगे 2 एग, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1/2 कप पाउडर शुगर। ये सिंपल चीनी है जिसे मैंने ग्राइंडर में अच्छे से चैन कर लिया है। और इसके बाद यहाँ पर 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे वनीला एक्सट्रैक्ट। इसे पहले हल्के से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी शुगर यहाँ पर उड़े नहीं। तो अब हम इसे फोमी होने तक इसे हम बीट कर लेंगे। और अब हम यहाँ पर 50 ग्राम्स बटर ऐड करेंगे और इस बटर को भी अच्छे से मिक्स करके फिर से इसे हम बीट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे फोमी होने तक इसे बीट कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक दूसरा बोल लेंगे जिसके ऊपर हम यहाँ पर स्ट्रेनर रखेंगे और इसमें हम डालेंगे यहाँ पर 1 कप ऑल पर्पज़ फ्लार यानी कि मैदा, और यहाँ पर 1/4 कप हम यहाँ पर डालेंगे मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे बेकिंग पाउडर और 1/2 टीस्पून हम डालेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा। और अब हम सारी चीज़ों को यहाँ पर अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। और यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से स्ट्रेन हो गई हैं और अब हमने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को यहाँ पर स्टेन किया है इसे इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें थोड़ा सा मिल्क भी ऐड कर लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, थोड़ा मिल्क और ऐड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं इसका बैटर तैयार हो गया है। इसका बैटर थोड़ा थिक रहता है और यहाँ पर मैंने 1/4 कप मिल्क का इस्तेमाल किया है। आप मिल्क की जगह पर वाटर भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर बटर की जगह पर ऑयल भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पर बैटर में वनीला एक्सट्रैक्ट की जगह पर आप यहाँ पर इलायची को भी क्रश करके ऐड कर सकते हैं, इससे इलायची फ्लेवर के रस्क यहाँ पर प्रिपेयर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पर 2 ड्रॉप यहाँ पर येलो फूड कलर ऐड कर लेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। इससे देखने में थोड़ा खूबसूरत लगने लगता है इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर येलो फूड कलर को मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ पर थोड़े से फाइनली चॉप पिस्ता और बादाम को इसमें ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर एक बेकिंग डिश ले लेंगे और जिसके ऊपर हम यहाँ पर बटर पेपर को रखेंगे और अब हम इसके ऊपर ऑयल अप्लाई करेंगे और इस ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ऑयल अच्छे से अप्लाई कर दिया है और अब हम इसमें बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें बैटर को ट्रांसफ़र कर दिया है और अब हम इसके ऊपर फाइनली चॉप पिस्ता और बादाम से इसे गार्निश करेंगे। आप चाहें तो इसे स्किप कर सकते हैं। तो इसे हम कवर कर लेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे सिल्वर फॉइल से कवर कर दिया है। अगर आपके पास किसी दूसरे ब्रांड का माइक्रोवेव है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं क्योंकि मॉर्फी रिचर्ड्स में कन्वेक्शन मोड अलग से नहीं दिया हुआ है। ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड यानी कि कॉम्बिनेशन मोड में बेक करने की वजह से ये बर्न हो जाता है, तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। इसे हमें 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे हमें बेक करना है और बेक करने से पहले हम इस ओवन को अच्छे से प्री हीट कर लेंगे। प्री हीट करने के लिए हमें यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर 0 से प्रेस करना है क्योंकि हमें यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे प्रीहीट करना है और इसे बेक भी करना है, तो यहाँ पर 0 प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 डिग्री का टेम्परेचर यहाँ पर आ गया है। तो इसके बाद जैसे ही हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे हमारा ओवन यहाँ पर प्रीहीट होना शुरू हो जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि टाइमिंग के हिसाब से आप ओवन को प्रीहीट करें तो यहाँ पर आप टाइमिंग भी एंटर कर सकते हैं, जैसा कि 10 मिनट हमें टाइम यहाँ पर एंटर करना है। तो यहाँ पर 1:00:00 आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 मिनट का मैंने टाइम सेट कर दिया है। 10 मिनट में हमारा ओवन प्रीहीट हो चुका होगा 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वैसे ही हम अपने डिश को अंदर डाल देंगे। तो इसे स्टार्ट कर लेते हैं और इसे प्रीहीट कर लेते हैं। ये हमारा ओवन यहाँ पर अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, तो चलिए इसे हम ओवन के अंदर डाल देते हैं और इसे बेक कर लेते हैं। इसके डोर को क्लोज करके हम बाकी सारी सेटिंग्स लगाएंगे। अब हम यहाँ पर 200 डिग्री सेंटीग्रेड का फिर से टेम्परेचर सेट करेंगे 30 से 35 मिनट का। तो इसे सेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसे हम ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर फिर से 0 प्रेस करेंगे 200 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, और फिर उसके बाद यहाँ पर 35 से 40 मिनट यानी कि हम 40 मिनट यहाँ पर टाइम सेट कर देते हैं।
4000। आप देख सकते हैं 40 मिनट का टाइम सेट कर दिया है और स्टार्ट बटन प्रेस कर लेते हैं और इसे अच्छे से बेक कर लेते हैं। क्योंकि मैंने इसे कवर किया है तो ये बर्न नहीं होगा और अच्छे से बेक हो जाएगा। तो चलिए इसे बेक कर लेते हैं। अब हम इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं ये अच्छे से बेक हो चुका है। मैंने यहाँ पर 40 मिनट के अलावा 10 मिनट इसे 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर और इसे बेक किया है। और आप भी चेक कर लें, बीच में अगर आपका केक कच्चा है तो आप अपने टाइम को इंक्रीज कर सकते हैं। यहाँ पर कोई सेट टाइमिंग नहीं है कि आपको इतनी ही देर बेक करना है। मैंने यहाँ पर अप्रॉक्स टाइमिंग आपको बता दी है, टेम्परेचर आपको बता दिया है, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। तो मुझे यहाँ पर 50 मिनट्स लगे हैं 200 डिग्री सेंटीग्रेड में इसे बेक करके और इसे कवर करने के बाद। तो हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। इस केक को हम कवर करके रख देंगे और इसे अच्छे से ठंडा हो जाने देंगे। फिर उसके बाद इसे हम अनमोल्ड करेंगे। और ये अच्छे से ठंडा हो चुका है तो इसे हम अनमोल्ड कर लेते हैं। इसे पलट लेते हैं ऐसे। इसके बटर पेपर को हटा लेंगे और अब हम इसके कॉर्नर्स को चारों तरफ से कट करके निकाल लेंगे। इसको इसके सेंटर से कट कर लेंगे और ये देखिए मैंने कट कर लिया इसे। और एक हम यहाँ पर डिश ले लेंगे। आप यहाँ पर कोई भी प्लेट ले सकते हैं या फिर कोई एल्युमिनियम की बेकिंग डिश ले सकते हैं या फिर आपके पास ये है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसके ऊपर सिल्वर फॉयल या बटर पेपर कुछ भी इसके ऊपर रख सकते हैं ताकि हमारे जो रस्क हैं वो चिपके नहीं। आपके पास जो भी हो आप लगा सकते हैं। तो मैं सोच रही हूँ बटर पेपर रख लूँ। ओवन से ये रोटेट होने में टकरा सकता है ओवन की बॉडी से, तो इसलिए हम इसके एक्स्ट्रा को यहाँ पर कट कर लेंगे सीजर से। और जो हमने यहाँ पर रस को कट करके रखा है उसे इस बेकिंग डिश में रख लेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से बेक हुआ है, बिल्कुल इसमें जालियाँ पड़ी हुई हैं। इसे हम लाइन से रखते जाएंगे। इस समय बिल्कुल सॉफ्ट केक जैसा है। अगर आप इससे रस्क नहीं बनाना चाहते तो आप इसे केक के फॉर्म में भी इसे आप सर्व कर सकते हैं। बिल्कुल पिस्ते वाली हमारी जो रस्क है वो बनकर तैयार होगी, जो कि जल्दी मार्केट में भी नहीं मिलती। इसमें और जगह हम बना लेंगे ताकि एक बार में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी रस्क बनकर तैयार हो जाए। तो आप देख सकते हैं मैंने सभी को इस बेकिंग डिश में रख दिया है। तो अब हम इसे बेक करेंगे और इसे ओवन में डालने से पहले हमें 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर ओवन को प्री हीट कर लेना है। जैसा कि आपको 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैंने बताया, वैसे ही आपको यहाँ पर 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने ओवन को प्री हीट कर लेना है और फिर उसके बाद इसे आपको ओवन के अंदर डालना है। मेरा ओवन प्री हीट हो चुका है, आप भी ज़रूर से कर लें, फिर उसके बाद इसे आप ओवन में डालें। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसे ओवन में डाल दिया है और अब हम इसे 5 से 6 मिनट इसे हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे इसकी अपर लेयर को सेक लेंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो जाए। और अगर आपके पास किसी दूसरे ब्रांड का माइक्रोवेव है तो आप इस प्रोसेस को कन्वेक्शन मोड पर करें और इस प्रोसेस को आप यहाँ पर 15 मिनट करें। इससे क्या होगा, ये अच्छे से क्रिस्प हो जाएंगे। क्योंकि यहाँ पर कन्वेक्शन मोड नहीं है, इस वजह से मैं ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड पर इसे कम देर कर रही हूँ और ये कन्वेक्शन के कंपेरिजन में थोड़ा जल्दी हो जाए है। तो आप इस टाइमिंग को माइंड में रख लें और इसे चेक कर लें। अगर ये क्रिस्प हो गए हैं तो इसे बाहर निकाल लें। तो अब हम इसे और क्रिस्प कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम इन्हें चेक करेंगे। तो 5 से 6 मिनट ओवन में हम फिर से इसे बेक कर लेंगे। मेरा ओवन ऑलरेडी यहाँ पर प्री हीट है और इसे तो अब हम इसके डोर को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर 150 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। इसके लिए यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे और यहाँ पर 150 डिग्री यानी कि 5 प्रेस करेंगे। आप देख सकते हैं 150 डिग्री सेंटीग्रेड आ गया है। तो अब हमें इस प्रोसेस को केवल 6 मिनट करना है। तो हम यहाँ पर 6 मिनट के यहाँ पर टाइम सेट कर देंगे 600। तो आप देख सकते हैं 6 मिनट यहाँ लग गया है। तो अब हम स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे और इसे क्रिस्प कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे जो रस्क हैं वो एक साइड से सेक चुके हैं, तो अब हमें दूसरे साइड से भी नहीं सेकना होगा। तो इसे हम बाहर निकाल लेते हैं और एक एक इसे पलट लेते हैं। मैंने इन रस्क को 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर 6 मिनट इसे अपर साइड से इसे मैंने बेक कर लिया है। अब हम इसको पलट लेंगे और इसके लोअर साइड को भी हम क्रिस्प कर लेंगे। अभी ही बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी है ये।
तो इसे हम वापस ओवन में डाल देते हैं और इसे 5 से 6 मिनट इसे हम 150 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिर से इसे हम बेक कर लेते हैं ताकि ये और भी क्रिस्प हो जाए। और आप इसे करीब 15 मिनट तक आप इसे क्रिस्प कर लें दोनों साइड से अलग अलग, यानी टोटल 30 मिनट आप इसे क्रिस्प करने में आपको लगेंगे। क्योंकि मैं यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन मोड पर कर रही हूँ तो ये प्रोसेस मेरी थोड़ी जल्दी हो जाती है। यहाँ मुझे केवल 6 से 7 ही मिनट लग रहे हैं इसे क्रिस्प करने में एक साइड से, और दूसरे साइड से भी हम इसे क्रिस्प कर लेंगे। और यहाँ पर टेम्परेचर हमें 150 डिग्री ही सेलेक्ट करना है, ज्यादा टेम्परेचर नहीं सेलेक्ट करेंगे नहीं ये बर्न होने लगेंगे। तो चलिए इसे अब हम ओवन में वापस डाल देते हैं और इसे दूसरे साइड से क्रिस्प कर लेते हैं। अगर आपका ओवन ठंडा हो चुका हो तो आप यहाँ पर फिर से ओवन को प्रीहीट कर लें फिर उसके बाद इसे डालें। और आप देख सकते हैं हमारे रस्क यहाँ पर अच्छे से क्रिस्प हो गए हैं और बिल्कुल बनकर तैयार हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं रस्क बिल्कुल क्रिस्प है। इसे ठंडा हो जाने के बाद किसी एयरटाइट कंटेनर में भर करके रख दीजिए और इसे गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करें। और इसे प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल लेंगे और इसके ऊपर हम एक स्ट्रेनर रखेंगे। आप चाहें तो बिना स्टेन किए हुए भी इसे ऐड कर सकते हैं, मैं यहाँ पर इसे स्टेन करके इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि इसमें लम्स न रहे और अच्छा हमारा डो यहाँ पर तैयार हो जाए। और इसके बाद हम यहाँ पर 3 कप मैदा ऐड करेंगे, ये 250 ग्राम मैदा है जिसे हम स्टेन कर लेंगे। मैंने इसे कप से मेजर किया है और इसे हम अच्छे से स्टेन कर लेंगे। मैदे में अक्सर ये ऐसे लम्स पड़ जाते हैं, इससे वो रिमूव हो जाएंगे। इसे हम ऐसे करके इसे अच्छे से लम्स को हटा लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसे स्टेन कर लिया है। और इसी स्टेज पर हम यहाँ पर 1 टेबल स्पून यहाँ पर पाउडर शुगर ऐड करेंगे। आप यहाँ पर सिंपल चीनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने सिंपल चीनी को ग्राइंडर में अच्छे से चर्न कर लिया है और इसे हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ पर 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर डालेंगे नमक और 1 बड़ा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पर मिल्क पाउडर। इस मिल्क पाउडर से हमारे डो में हल्की सी मिठास आ जाती है जिससे हमारी ब्रेड बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो अगर आपके पास है तो इसे ज़रूर ऐड करें इसमें और इसे हम अच्छे से स्टेन कर लेंगे। तो अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून हम यहाँ पर एक्टिवेटेड ईस्ट को ऐड करेंगे। ये आसानी से किसी भी सुपरमार्केट में मिल जाती है या किसी बेकरी शॉप में मिल जाती है तो आप इसे पहचान लीजिए। तो इसे आपको इसमें ऐड करना है। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी मैंने 1/2 टेबल स्पून ली है तो इस ईस्ट को हम इसमें ऐड कर लेंगे और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम यहाँ पर हल्का गुनगुना मिल्क ले लेंगे। आप चाहें तो इस मिल्क की जगह पर हल्का गुनगुना पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिल्क से हमारी जो ब्रेड है वो काफ़ी सॉफ्ट बनेगी और वाटर से भी बनती है लेकिन मिल्क से थोड़ी ज़्यादा अच्छी बनती है। और जो हम यहाँ पर मिल्क लेंगे वो ल्यूकवॉर्म होना चाहिए, यानी कि गुनगुना होना चाहिए, ना तो ज़्यादा गर्म होना चाहिए और ना बहुत ठंडा होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा गर्म मिल्क का इस्तेमाल करेंगे तो ईस्ट के डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आपको यहाँ पर मिल्क को ल्यूकवॉर्म ही लेना है। तो इसे हम ऐड कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे और मिक्स करेंगे। हमें इसका डो गीला बनाना है, उतना ही मिल्क हम यहां पर ऐड करेंगे। मिल्क को ऐड करते जाएंगे और गूंथते जाएंगे इसे। और अब हम इसे साफ हाथों से इसे नीट कर लेंगे, मिल्क को और ऐड कर लेंगे और इसे नीट कर लेंगे अच्छे से। और ये देखिए मैंने इसे यहाँ पर हल्का गीला ही इसे नीट किया है और ऐसे ही आपको भी यहाँ पर इसे नीट करना है। और अब हम इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल ऐड करेंगे जिससे हमारा डो यहाँ पर थोड़ा चिकना हो जाए और इस डो को हम अच्छे से चिकना कर लेंगे। और ये देखिए मैंने इसे चिकना कर लिया है यहाँ पर। और ये देखिए मैंने इसका डो ऐसे बना लिया है। और इस डो को हम किसी भी बर्तन से इसे कवर कर लेंगे और 20 मिनट बाद इसे हम अच्छे से नीट करेंगे। और यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं तो हम इसे चेक करेंगे और आप देख सकते हैं हमारा डो अभी कितना अच्छे से फूल गया है। तो इसे हम बाहर निकाल लेंगे। और यहाँ पर सरफेस में अच्छे से ऑयल लगा लेंगे यहाँ पर हमें, और इसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे और इस डो को इसमें हम रख लेंगे। और अब हम इसे अच्छे से नीट करेंगे, इसे पटक पटक कर नीट करेंगे। आप अपने हाथों की मदद से भी इसे अच्छे से नीट कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ, नहीं तो आप डो मिक्सर से भी इसे अच्छे से नीट कर सकते हैं। जैसे धोबी कपड़े धोता है वैसे ही हमें इसे नीट करना है।
क्योंकि इसे नीट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम इसे नीट नहीं करेंगे तो इसमें जो जालियाँ हैं वो नहीं बनेंगी सही से। ये डो हमने अच्छे से नीट कर लिया है, तो अब हम इस डो को एक बार फिर से चिकना कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मैंने इसे चिकना कर लिया है। तो अब हम इस बोल में इसे वापस रख देंगे और इसमें ऊपर से ऑयल अप्लाई कर लेंगे थोड़ा सा, और ऑयल को अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से नीट करने के बाद इसमें ऑयल को अच्छे से अप्लाई कर दिया है। तो अब हम इस बोल को कवर कर देंगे और इसे हम किसी गर्म जगह पर 1 से 1.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। इसे हमें तब तक छोड़ना होगा जब तक ये अपने डबल से भी ट्रिपल साइज का नहीं हो जाता, यानी कि जो हमारा डो है वो फूल कर काफी ज्यादा दिखने लगेगा। तो इसी स्टेज पर हमें इसे चेक करना है। तो तब तक के लिए हम इसे 1 से 1.5 घंटे के लिए इसे हम किसी गर्म जगह पर रख देते हैं, फिर उसके बाद इसे हम चेक करेंगे। और आप देख सकते हैं हमारा डो यहाँ पर जस्ट डबल साइज का हो गया है और इसे हम चेक करेंगे। अब इसमें हम पंच मार के देखेंगे, आप देखेंगे कि इसमें काफी सारी एयर निकलेगी। जो डो है हमारा कैसा हो गया है ईस्ट से। तो अब हम इस डो को बेलेंगे, इसके लिए हम इसे सरफेस पे रख लेंगे और इस सरफेस पर हम थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं, और इसे फिर से चिकना कर लेंगे। और अब हम इस डो को रोलर पिन की मदद से इसे हम बेलेंगे। और क्योंकि हमें इस ब्रेड को इस लोफ डिश में बनाना है, मेरे पास ब्रेड वाली टिन नहीं है, लेकिन मैं आज इसे लोफ डिश में प्रिपेयर करने वाली हूँ। जिस भी बर्तन में आप इसे बनाएं तो आप उतना ही चौड़ा इसे आप बेल लें। आप देख सकते हैं मेरी लोफ डिश का साइज मैंने यहाँ पर बेल लिया है। और अब हम इसे फोल्ड करेंगे, तो इसे हम यहाँ से फोल्ड करना शुरू करेंगे। और अब हम इसे अच्छे से सील करेंगे, नहीं हमारी ब्रेड यहाँ पर खुल जाती है जिसकी वजह से अच्छी बनेगी नहीं। तो इसे यहाँ पर अच्छे से हम सील कर देंगे। और एक बार इसे अच्छे से चिकना कर लेंगे। आप देख सकते हैं जैसी हमारी लोफ डिश है उसी के साइज में ही मैंने इसे रोल कर लिया है। आप भी इसे ऐसे ही नाप लें, फिर उसके बाद इसे फोल्ड करें। तो अब हम इसे इस बेकिंग डिश में डालेंगे, और इस डो को बेकिंग डिश में डालने से पहले इसमें हम ऑयल अच्छे से अप्लाई कर लेंगे। तो हमने जो ये डो बनाया है ब्रेड का, इसे इस लोफ डिश में हम डाल देंगे और इसे अच्छे से बराबर कर लेंगे ताकि हमारी ब्रेड बिल्कुल बराबर निकले। और अब हम इसके ऊपर थोड़ा फिर से ऑयल लगा देंगे, और अब हम इसके ऊपर सफ़ेद तिल जो आती है उसे स्प्रिंकल कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे स्किप कर सकते हैं। इसे ब्रेड देखने में और खूबसूरत लगती है बस, और ये हमारे हेल्थ के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल होती है, तो इसे ऐड कर लेते हैं। और अब हम इस डो को हल्के गीले कपड़े से इसे कवर कर देंगे। इसे हमें तब तक कवर करके रखना है जब तक कि डो ऊपर तक उठ के नहीं आ जाता, तब तक हम इसे कवर करके रखेंगे, फिर उसके बाद इसे हम बेक करेंगे। सारे स्टेप्स आपको एक एक करके फॉलो करने हैं। अगर आपने एक भी स्टेप को छोड़ दिया तो आपकी ब्रेड यहाँ पर अच्छी नहीं बनेगी। तो आप कोशिश करिएगा कि सारे स्टेप्स और फॉलो करें और आपकी ब्रेड बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो इसे हम रख देते हैं, फिर उसके बाद इसे हम चेक करेंगे। मैंने इस डो को 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ा था ताकि ये अच्छे से फूल जाए। आप देख सकते हैं इसका साइज़ इस समय यहाँ पर डबल हो चुका है। और ये देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ कि कैसा ये दिख रहा है बाहर से। आप इसे एल्युमिनियम के ब्रेड वाली टिन में भी इसे आप बना सकते हैं, आपके पास जो भी हो आप उसमें बना लें। तो आप देख सकते हैं इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया है, आप ऊपर तक ये डो आ गया है। जब मैंने इसमें डाला था तो हाफ ये फिल था, और अभी ये पूरा फिल है, थोड़ा सा खाली जगह है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी कि आपको टाइम के अकॉर्डिंग इसे नहीं चेक करना है, आपको ये चेक करना है कि आपका जो डो है वो डबल साइज़ का हुआ है कि नहीं, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि मौसम के अकॉर्डिंग। अगर ठंड है तो ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर गर्मी है तो जल्दी हो सकता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, और जब आपका जो ये डो है वो डबल साइज़ से भी ज़्यादा हो जाए या डबल साइज़ हो जाए, तभी आप इसे ओवन में डालें और इसे बेक करें। इससे
आपकी ब्रेड में अच्छे से जाली आ जाती है। और आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं आपको बाहर से दिखा देती हूँ, काफ़ी इसमें एयर आ चुकी है अंदर, और ये एयर हमारे ब्रेड में रहती है जो हम मार्केट से खरीद के लाते हैं। इसी से हमारी ब्रेड जो है सॉफ्ट लगती है, बहुत ही ज़्यादा उसमें जालियाँ होती हैं। तो इस स्टेप का आप ज़रूर से फॉलो करें। अगर आप इस स्टेप को फॉलो नहीं करेंगे तो आप चाहे इसे गैस पर बनाएं या फिर ओवन में बनाएं, आपके ब्रेड में जालियाँ नहीं आएंगी। तो आपको ध्यान रखना है, आपको टाइम नहीं बल्कि इसके साइज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर इसे कैलकुलेट करके इसे बनाना होगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये ऊपर आ चुका है, तो इसके सरफेस पर हम फिर से थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर लेंगे। और मैंने यहाँ पर ऑयल अच्छे से अप्लाई कर दिया है। जो मार्केट में ब्रेड को बेक करने के लिए जो ब्रेड वाली टिन आती है, उसमें कवर भी रहता है, क्योंकि मैं इसे लोफ डिश में बना रही हूँ, तो इसमें इसके साथ कवर नहीं है। और जिस भी बेकिंग डिश में आपके पास कवर नहीं है, तो आप उसकी जगह पर एल्यूमिनियम फॉयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रेड को हमेशा कवर करके ही पकाना होता है, इससे वो ड्राई नहीं होती है और अच्छे से बेक हो जाती है। तो इसे हम कवर कर लेंगे सिल्वर फॉयल से। और आप देख सकते हैं, मैंने इस डिश को कवर कर दिया है अच्छे से। कवर करने से दूसरा फायदा ये होगा कि हमारी ब्रेड ऊपर से जलेगी नहीं और अच्छे से अंदर से पक जाएगी। और अगर इसके टॉप वाले पोर्शन को हमें ब्राउन करना होगा, तो हम इसके सिल्वर फॉयल को हटा लेंगे थोड़ी देर के लिए, फिर उसके बाद इसे हम बेक करके बाहर निकाल लेंगे। ऐसे इस स्टेप को आपको फॉलो करना है। तो इसे बेक करने के लिए हम ओवन को अच्छे से प्रीहीट कर लेंगे। इसके लिए हम ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर 190 से 200 डिग्री का टेम्परेचर सेट करेंगे। यहाँ पर 190 सेट कर देते हैं, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम जैसे ही स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, हमारा ओवन यहाँ पर प्रीहीट होना शुरू हो जाएगा। तो स्टार्ट बटन प्रेस कर लेते हैं और इसे प्रीहीट कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम ओवन के अंदर डाल देते हैं। और ओवन हमारा यहाँ पर अच्छे से प्रीहीट हो चुका है, तो इसे हम बचा कर रख देते हैं और इसके डोर को हम क्लोज कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर बाकी की टाइमिंग सेट करेंगे इसे कुक करने के लिए। तो अब हम यहाँ पर ग्रिल प्लस कन्वेक्शन बटन को एक बार प्रेस करेंगे, और फिर से हम 190 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट करेंगे। और फिर उसके बाद हमें इसे यहाँ पर जितना भी यहाँ पर टाइम सेट करना है कुकिंग टाइम, उतना एंटर कर देंगे। यहाँ पर मैं 30 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट करने वाली हूँ। ज़रूरत होगी तो यहाँ पर मैं और 5 मिनट करके और बढ़ा लूँगी। तो पहले मैं यहाँ पर 30 मिनट का यहाँ पर टाइम सेट करती हूँ। 3000। आप देख सकते हैं 30 मिनट का मैंने यहाँ पर टाइम सेट कर दिया है। और इसे हम बीच बीच में मॉनिटर भी करते रहेंगे, कहीं ये बर्न तो नहीं हो रहा है या फिर कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, बीच बीच में हम चेक भी कर लेंगे। तो स्टार्ट बटन प्रेस कर लेते हैं और इसे बेक कर लेते हैं। मुझे इसे बेक करते हुए 30 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम ब्रेड को चेक करेंगे। आप देख सकते हैं इस ब्रेड का जो साइड वाला पोर्शन है वो अच्छे से बेक हो चुका है, बट जो टॉप पोर्शन है वो अच्छे से ब्राउन नहीं हुआ है। तो इसे हमें ब्राउन करने के लिए हम इसे 1 से 2 मिनट इसे और हम बेक कर लेंगे, और वो भी इसे बिना कवर किए हुए बेक करेंगे। इससे क्या होगा, ऊपर का जो सरफेस है वो ब्राउन हो जाएगा और हमारी ब्रेड तैयार हो जाएगी बनके। तो जिस टेम्परेचर पर मैंने बताया था, उसी टेम्परेचर पर हम 1 या 2 मिनट का टाइम यहाँ पर सेट करेंगे। जैसे ही ब्राउन हो जाए, वैसे ही हम अपनी ब्रेड को बाहर निकाल लेंगे। तो जैसे मैंने सेट किया था, वैसे ही इसे सेट कर लेंगे। तो इसे और बेक कर लेते हैं। और आप देख सकते हैं हमारी ब्रेड यहाँ पर अच्छे से बेक हो चुकी है। तो चलिए इसे हम बाहर निकाल लेते हैं। और अब हम इस ब्रेड को कट करेंगे। कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर सूखे हुए कॉर्न्स के दाने, और इसे हमें पॉप करना है। इस सूखे हुए कॉर्न से आज हम बनाएंगे पॉपकॉर्न, वो भी माइक्रोवेव में। आप चाहे तो ये पॉपकॉर्न गैस पर प्रिपेयर कर सकते हैं। तो चलिए इसे हमें पॉपकॉर्न कैसे बनाना है इसे देख लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर एक माइक्रोवेव से बड़ा बोल ले लेंगे। अगर आप ये बोल को परचेज करना चाहते हैं, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, आप वहाँ से क्लिक करके इसे परचेज कर सकते हैं। ये बोल माइक्रोवेव सेफ है, जो कि बहुत ही कन्वीनियंट है यूज करने में, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे जरूर परचेज करें। और इस बोल में हम 10 ग्राम्स बटर ऐड करेंगे, और 1/2 टीस्पून हम यहाँ पर सॉल्ट ऐड करेंगे। अब हम इसे 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव करेंगे और बटर को अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इस बोल को माइक्रोवेव के अंदर रख दिया है, और इसे हम 10 सेकंड के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे।
इस माइक्रोवेव में आपको पावर और मोड कैसे सेलेक्ट करनी है इसका वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। आप चाहे तो आई बटन पर क्लिक करके उसे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर 10 सेकंड बाद हमारा बटर यहाँ पर अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब हम इस बोल को बाहर निकाल लेंगे और इसके बाद इसे हम थोड़ी देर चला लेंगे ऐसे। अब इसमें हम सूखे हुए कॉर्न्स ऐड करेंगे और इस सूखे हुए कॉर्न्स को हम बटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इस बोल को वापस माइक्रोवेव के अंदर रखेंगे और इसे हम पॉप कर लेंगे। मैंने यहाँ पर बोल को माइक्रोवेव के अंदर रख दिया है। अब हम इस बोल को किसी माइक्रोवेव से प्लेट से इसे कवर करेंगे और मैंने यहाँ इस बोल को माइक्रोवेव सेफ प्लेट से कवर कर दिया है और इस बोल को आप देख सकते हैं मैंने एक पोर्शन से खुला रखा है। ऐसा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हमारे पॉपकॉर्न पॉप होते हैं तो उनको थोड़ी सी एयर की भी ज़रूरत होती है। इससे हमारे कॉर्न जो है बहुत ही अच्छे पॉप होंगे, यानी कि बहुत ही अच्छा पॉपकॉर्न जो है बनकर तैयार होगा। तो आप भी इस स्टेप को ज़रूर फॉलो करें। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए माइक्रोवेव कर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 से 3 मिनट में ही हमारे पॉपकॉर्न यहाँ पर अच्छे से पॉप्ड हो गए हैं। अब हम इस पॉपकॉर्न वाले बोल को बाहर निकाल लेंगे। आपने देखा ये कितने अच्छे पॉप्ड हुए हैं और ये हमारा बिना कैरेमल सॉस वाला पॉपकॉर्न जो है रेडी है। आप चाहे तो बिना कैरेमल सॉस के इसे एज इट इज सर्व कर सकते हैं या फिर आप मेरी तरह कैरेमल सॉस डालकर इसे सर्व कर सकते हैं। क्योंकि हमें यहाँ कैरेमल पॉपकॉर्न बनाने हैं इसलिए अब हम यहाँ पर कैरेमल सॉस ऐड करेंगे। आप यहाँ पर जितना भी मीठा खाना पसंद करते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आप कैरेमल सॉस को ऐड कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 2 टेबलस्पून कैरेमल सॉस ऐड करेंगे और इस कैरेमल सॉस को हम पॉपकॉर्न में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस कैरेमल सॉस को डालने के बाद इसे हम 10 सेकंड के लिए और माइक्रोवेव कर लेंगे। इस प्रोसेस को करने से ये पॉपकॉर्न और भी क्रिस्पी हो जाते हैं और ये हमारा बहुत ही क्रिस्पी कैरेमल पॉपकॉर्न जो है बनकर रेडी हो गया है। तो चलिए इसे अब हम सर्व कर लेते हैं। और ये हमारा कैरेमल पॉपकॉर्न बनकर तैयार है। आपने देखा इसे बनाना कितना आसान है, केवल 10 मिनट के अंदर ये पॉपकॉर्न बनकर तैयार हो जाता है। तो आप इसे कब बना रहे हैं? तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपके काम का होगा। और अगर आपके काम का हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।